Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IES. Today is 21st of November 2020 and let us do the newspaper analysis for this date. The Hindu or Indian Express mein jo important news aapko aaj padhni hai, let us have a look at those news. Starting from the Hindu, on front page, Jaish plot to target democratic exercise in J&K foiled, says PM. तो दो दिन पहले जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू श्रीनगर हाईवे पे एक टेररिस्ट अटैक को प्लान करते हुए अटैक करने के लिए जाते हुए कुछ टेररिस्ट पकड़े गए. एज सच नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज बट इट्स पर्सपेक्टिव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस इस दोबारा हाईलाइट हो गए हैं बिकॉज द मटीरियल दैट हैज बीन फाउंड विद दोज टेररिस्ट ऑल बिलोंग्स टू पाकिस्तान. दे केम फ्रॉम पाकिस्तान, दे वर यूजिंग द इक्विपमेंट, द weapons, all of them manufactured in Pakistan. There have been traces all over. तो ये एक और attempt, अगर ये attack हो जाता it would have been a very big news and a very unfortunate news. लेकिन अब ये दोबारा news में इसलिए आ गया है क्योंकि जब भी cross border terrorism India में होता है तो India CCIT की demand उठाता है. What is CCIT? It is the Comprehensive Convention Against International Terrorism, CCIT. इंडिया 1996 से ये डिमांड कर रहा है कि यूनाइटेड नेशंस एक कन्वेंशन बनाए जो कि होगी कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन अगेंस्ट इंटरनेशनल टेररिज्म. लेकिन ये कन्वेंशन आज तक इसलिए पास नहीं हो पाई बिकॉज डिस्पाइट द ग्लोबल कंसेंसस अगेंस्ट टेररिज्म देयर इज नो ग्लोबल कंसेंसस ऑन द डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म. टेररिज्म को डिफाइन करने को लेकर सभी कंट्रीज में आज तक कंसेंसस नहीं बन पाया है. क्यों नहीं बन पाया है? बिकॉज सम प्रपोजल से दैट टेररिज्म हम उसको कहेंगे जब आर्म्ड पर्सनल आर ऑन सम फॉरेन टेरिटरी. आर्म्ड पर्सनल बूट्स ऑन द ग्राउंड आर ऑन सम अदर टेरिटरी. सो बाय दैट डेफिनेशन सो मेनी कंट्रीज हु सेंड देयर आर्म्ड फोर्सेस टू अ डिस्टेंट लैंड विदाउट द परमिशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, जैसे कि यूएस ने बहुत कंट्रीज में किया है, अफगानिस्तान में, इराक में, सीरिया में, बहुत जगह किया है, और रशिया ने भी बहुत सारी कंट्रीज में किया है. So these countries, by the definition of that terrorism, these countries will also become terrorizing countries. So that is a worry, जिसकी वजह से रशिया और यूएस ने specifically कभी भी इस convention को pass नहीं होने दिया, and they have veto powers in UN Security Council. तो CCIT के बारे में पढ़ना है आपको, and India-Pakistan relations पे इसका क्या एक नया असर होगा. India-Pakistan में वैसे ही relations अच्छे नहीं चल रहे, and this is not a very good news. आगे बढ़ते हैं. Let us move on to the editorial pages. So page number 6, the editorial page. इस पे आज काफी अच्छे articles आए हैं. First is Digital Nation. तो ये एक अच्छा article है, Digital India, जहां भी आपने लिखा है उसके साथ आप इसको add कर सकते हैं. इसमें basically Prime Minister ने recently एक address में कहा कि India, the Digital India is now a way of life in India. That digitalization is now a way of life in India. No doubt digitalization has increased manifold in India in the last few years, पर यह भी एक reality है कि अभी भी a better part of India is beyond the digital haves. They are actually the digital have-nots. तो एक digital divide है India में जो कि इस साल pandemic की वजह से और ज्यादा rise हुआ है. Because of the work from home culture and all the lockdown that is a resultant of the COVID pandemic, उसमें digital divide जो है वो सामने आया है कि कितने लोग हैं जो डिजिटली खुद को कैपेबल मानते हैं और कितने नहीं. एक सर्वे की अकॉर्डिंग अराउंड 750 मिलियन कनेक्शंस आर देयर ऑफ इंटरनेट इन इंडिया. दैट मेक्स इट 75 करोड़ इंटरनेट कनेक्शंस, बट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज क्लोज टू 140 करोड़. दैट लीव्स ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडिया आउट ऑफ द डिजिटल परव्यू. तो अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है. नो डाउट वी हैव अकम्प्लिश्ड मच बट मच मोर नीड्स टू बी डन. तो इस एडिटोरियल में काफी सारे ऐसे आइडियाज दिए गए हैं जो इनोवेटिव हैं, कैसे कैसे डिजिटलाइजेशन को बढ़ाया जा सकता है, इंटरनेट को और अफोर्डेबल किया जा सकता है, और कैसे अलग अलग सर्विसेज को इंटरनेट के परव्यू में लाकर एक अच्छा ई गवर्नेंस सिस्टम क्रिएट किया जा सकता है. सो इफ यू हैव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज योर ऑप्शनल और इफ यू वॉन्ट टू एड दिस इन योर पॉलिटी एंड गवर्नेंस नोट्स, दिस इज अ वेरी गुड आर्टिकल एंड यू कैन एड द पॉइंटर्स टू योर नोट्स. ये काफी अच्छा आर्टिकल आपको पढ़ना है. नेक्स्ट, इंडियाज नो टू आरसीईपी कुड स्टिल बी अ नो. ये एक
क्रिटिक आर्टिकल है, क्रिटिसिज्म लिखा हुआ है इसमें कि एक साल पहले इंडिया ने जिस कारण की वजह से आरसीई में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था, आज भी वो कारण स्टैंड करता है. नाउ व्हाट वाज द रीजन? सो इफ वी लुक विद इन विद अ क्रिटिकल माइंड, तो हमें पता लगेगा कि इंडिया के अपनी वीकनेसेस की वजह से इंडिया आरसीईपी का पार्ट नहीं बन पाया. बिकॉज हैड वी बीन अ नेट एक्सपोर्टिंग कंट्री, हैड वी डिवेलप्ड एज अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और एज अ वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड लाइक चाइना हैज, तो हम भी आरसीईपी से फायदा उठा सकते थे. लेकिन हमारा कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है अदर देन द सर्विस सेक्टर जिसे आरसीईपी में इंक्लूड नहीं किया गया है. तो अगर हमारे पास भी कोई ऐसा सेक्टर होता जो कि हम नेट एक्सपोर्टर होते या जिसमें हमने टेक्नोलॉजी और स्केलिंग इतनी कर ली होती कि अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का पार्ट बन रहे हैं, वी वुड हैव बिकम नेट एक्सपोर्टर्स रादर देन द नेट इंपोर्टर्स, तो हम भी आरसीईपी को ज्वाइन करके फायदा ले सकते थे. बट द आर्टिकल इज क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज पॉलिसीज not only for this year but also for the past many decades, that how the government of India has made mistakes in transiting from a primary industry to directly to the tertiary sector and not taking care of the manufacturing sector. To ye Indian economy perspective se aapko padhna hai. Uske baad third, this article, the time you survey as an opportunity lost. तो ये भी एक अच्छा आर्टिकल है, आपको पढ़ना है. एक टाइम यूज सर्वे के बारे में इसको बताया गया. इट्स अ होलसम आर्टिकल, ये कहीं पे ऐड हो भी सकता है आपका इंडियन इकोनॉमी में, बट इट्स अ होलसम आर्टिकल. यू कैन इवन टेक अ कटिंग ऑफ इट. इसमें पूरा टाइम यूज सर्वे क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या रहा, उसको कैसे यूज किया जा सकता है, इट्स लाइक एन एक्सप्लेन्ड आर्टिकल ऑन TUS. सो यू हैव टू रीड दिस आर्टिकल. देन फोर्थ वन, स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी, ये आपको नहीं पढ़ना है. इट्स अ पॉलिटिकल आर्टिकल, यूएस पॉलिटिक्स के ऊपर ये आर्टिकल है. यू कैन स्किप दिस वन. देन मूविंग ऑन टू द वर्ल्ड पेज. सो मूविंग ऑन टू द वर्ल्ड पेज, डेप्यूटान डुगलस स्टुअर्ट विंस 2020 बुकर प्राइज. इंपॉर्टेंट न्यूज है, राइट? एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स एन इंपॉर्टेंट न्यूज. इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, कौन सी बुक है, राइट? कौन उसके ऑथर हैं, विच इज ऑल रिटन हेयर. बुकर प्राइज के बारे में आपको पढ़ना है. बुकर प्राइज, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. वट इज द डिफरेंस बिटवीन बुकर प्राइज एंड मान बुकर प्राइज? इन दोनों प्राइजेस में क्या फर्क है? इट इज प्रोनाउंस्ड एज मान एंड नॉट मैन. सो बुकर प्राइज एंड मान बुकर प्राइज, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, हु ऑल आर एलिजिबल फॉर इट, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली द इंडियंस हु हैव बीन कॉन्फर्ड विद दीज अवार्ड्स, दैट ऑल्सो यू हैव टू सर्च फॉर. आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट न्यूज पेपर, विच इज द इंडियन एक्सप्रेस. इंडियन एक्सप्रेस में वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी पर्सपेक्टिव एंड वेरी सरप्राइजिंग एज वेल. द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इनफ्लोज हाईएस्ट एवर. आज तक के सबसे ज्यादा एफपीआई इनफ्लोज इस साल दर्ज किए गए हैं, ओवर 1.4 लाख करोड़ इन 8 मंथ्स. तो लॉकडाउन से जस्ट पहले जो एफपीआई थे वो इंडिया से विड्रॉ कर रहे थे, अप्रोक्सीमेटली 61,000 करोड़ rupees had been withdrawn in March 2020 over fears, different types of fears of lockdown, of economic slowdown. Lekin pichle kuch time mein, pichle kuch 6-7 mahino mein, 1,40,000 crore se bhi zyada ke FPI inflows India mein dekhne ko mile hain. It's a heartening trend aur iski wajah se jo markets hain, they are rallying, they are going high and high every year, whether it is every day, whether it is the Bombay Stock Exchange Sensex or whether it is the National Stock Exchange Nifty. To dono jo hain wo हाई जा रहे हैं. एंड एफपीआई जो हैं इसमें फॉरेन इंडिविजुअल्स भी आ जाते हैं और एफआईआई यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी आ जाते हैं. सो एफपीआई मींस द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट. तो ये जो है इट हैज गॉन इनक्रेडिबली हाई एंड इट हैज एक्चुअली सेट अ रिकॉर्ड कि आज तक का मैक्सिमम एफपीआई इस साल इंडिया ने रिसीव किया है. व्हाट डज इट सिग्नल, इसका ओवरऑल इंपैक्ट क्या जाता है इकोनॉमी पे? Obviously, it has a very positive impact, लेकिन इसकी जो perception है वो और भी ज़्यादा positive है. That means the foreign investors actually see growth prospects in India. कि अब के बाद
इंडिया में इंप्रूवमेंट ही होगी, इंडिया विल नॉट गो डाउन. सो दैट इज द मैसेज दैट दिस पर्टिकुलर डेटा सेंड्स. इट्स अ वेरी गुड मैसेज. देन वी मूव ऑन टू द एडिटोरियल पेज. दीज आर ऑल रीजनल पेजेस. अगर आप स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए तैयार कर रहे हैं तो इसमें से कुछ दो या तीन न्यूज आपको मिल सकती हैं फॉर पंजाब हरियाणा. वी कम टू द एडिटोरियल पेज विच इज पेज नंबर 14. इस पे दो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं. फर्स्ट इज रेस्क्यूइंग द बैंक. तो जो लक्ष्मी विलास बैंक है उसमें जो फेलियर्स हुए हैं उस पर जो मॉरिटोरियम आरबीआई ने लगाया है, दिस आर्टिकल हैज प्रेज्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर इट्स क्विक एक्शन. एंड इसमें इंडियन इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से आपको अच्छे पॉइंट्स मिल जाएंगे. ये आर्टिकल आपको पढ़ना है. हाउ द डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट कैन बी प्रोटेक्टेड, हाउ द शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट कैन बी इम्पैक्टेड, हाउ द एंटायर बैंकिंग सिस्टम कैन बी रिकैलिब्रेटेड एंड कैन बी स्ट्रेंथन फ्रॉम इनसाइड. कुछ सजेशंस इसमें दिए गए हैं. उसके बाद नेक्स्ट इज मशीन होल. तो जो मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं उनको मैनुअली जो मैन होल्स हैं वो क्लीन ना करने पड़े और उसकी जगह रोबोटिक जो आर्म्स हैं वो मैनुअल क्लीनिंग करें. इसके लिए गवर्नमेंट ने 2013 में एक एक्ट पास किया था, मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013. उसके बाद से अभी तक इसके इंप्लीमेंटेशन में बहुत कमियां आई हैं. हर साल कुछ लोगों की हम डेथ की न्यूज सुनते रहे हैं जो कि मैन होल्स में जो पॉइजनस गैसेज हैं उनकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है वाइल क्लीनिंग द सीवर. तो ये काफ़ी ज़्यादा डिप्लोरेबल सिनेरियो है. अब फाइनली सेंटर ने उसके ऊपर डिसीजन लिया है एंड द ऑथर इज सेइंग दैट द मैकेनाइजेशन ऑफ सीवेज क्लीनिंग इज लॉन्ग ओवर ड्यू. बहुत देर से ये ड्यू है. बहुत सालों से हमने ड्राई लैटरिन को बैन किया हुआ है सीवेज को क्लीन करने के लिए. लॉ में हमारे पास प्रोविजन है कि वो मशीन से ही क्लीन किए जाएं, लेकिन तब भी जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो खुद इसे क्लीन करते हैं जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है. देर आर लॉट मैनी हैजर्ड्स एज वेल. तो अब फाइनली उसके ऊपर डिसीजन लिया जा रहा है और इसमें ये बताया गया है कि और इसके अलावा क्या किया जा सकता है. मैनी सजेशंस हैव बीन गिवन इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. तो ये भी आपको पढ़ना है. फाइनली द लास्ट आर्टिकल दैट यू हैव टू रीड टुडे ऑन द वर्ल्ड पेज दिस पर्टिकुलर न्यूज ऑल्दो इट हैज बीन कवर्ड इन योर द हिंदू डगलस स्टुअर्ट पिन्स बुकर प्राइज फॉर हिज डेब्यू नॉवल शगी बेन. देर आर अ फ्यू पॉइंटर्स दैट यू कैन एड फ्रॉम दिस न्यूज टू दैट न्यूज एज वेल. सो दीज आर द न्यूज दैट यू हैव टू रीड फॉर 21st of November 2020. इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू दिस चैनल एंड शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.